କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ମନ୍ଦିରରେ ରାଣୀ ସତୀ ଦାଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏକ ଭକ୍ତିଭରା ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। आसंता 26 तारीख दिन हेबाकु थिबा एही प्राण प्रतिष्ठा दिवस पई मंदिर कमिटी द्वारा अनेक कार्यक्रम मान कंटाबंदी सहर रे आयोजित करा जाउछि, जहाकु नै प्रथमे विशाल कलश यात्रा नगर परिक्रमा करथिबा बेले दुई दिन धरि संस्कृति नृत्य और दादीजींको भजन परिवेशन कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। हजार हजार संख्या रे भक्त एही कार्यक्रम जोग देथिबा बेले कमिटी रो महिला माने भजन उपरे आधारित नृत्य परिवेशन करथिले। भजन कार्यक्रम रे कोरबा सहररु समता अग्रवाल, संबलपुर रु निक्की सोनी और बिलासपुर रु नेहा पांडे खूब सुंदर भजन गान करथिले। अन्य पक्ष रे भक्त माने संस्कृति संध्या रे मेहंदी चुंदरी उत्सव पालन करथिले। एही दुई दिन कार्यक्रम रे महिला मानंकर प्रमुख भूमिका रहिथिबा बेले परवर्ती कार्यक्रम राजस्थान रु दादीजी को मायर कार्यक्रम रही। कार्यक्रम आगामी 26 तारीख पर्यंत चालू रहिबा बोली जना पड़ीथिबा बेले अंतिम दिन रे यज्ञ सहित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करा जीव बोली मंदिर कमिटी सूचना देछि। एही धर्मीय कार्यक्रम रे हजार हजार संख्या रे सहरवासी शामिल होतबा देखिबा को मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी ओडिया। सभी भक्तों को जय दादी की। काटामांझी में साप्ताहिक बाजार के पास हमने रानी सती दादी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने की सोची है, जो दादी की कृपा से बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसी के साथ हमने 6 दिवसीय प्रोग्राम भी कर हम 6 दिवसीय प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिसमें प्रथम दिवस में हमने रैली का प्रोग्राम किया था, द्वितीय दिवस में फिर सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम किया गया। सांस्कृतिक संध्या में हमारी कमेटी की महिलाएं और बेटियों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया, उसके साथ भास्कर ग्रुप का भी हमें पूर्णतः सहयोग मिला। फिर तीसरे दिवस में हम लोगों ने फिर कार्यक्रम रखा गया, भजन संध्या भी सब भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। भजन संध्या में फूलों की होली विधि मेहंदी का भी कार्यक्रम किया गया, एक मायरा रखा गया है, जिसमें हम यही चाहते हैं कि आप सब भक्तगण आए और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को पूरा एंजॉय करें, मस्ती करें इस कार्यक्रम में और हम सभी का साथ दें। बहुत सारे भक्त जो झुंझुनू नहीं जा पाते थे हर समय, तो हमारी यही इच्छा रहेगी कि यहाँ पे आए, अपना पूर्णतः सहयोग दें और दादी के कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सबकी सहायता करें।